अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। कैपिटल टीवी की ई ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद सुकलेन हैदर से, जो कि आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपनी किडनीज का ख्याल रखना है। आप सोच रहे होंगे कि किडनीज में और ईद में अब क्या कनेक्शन है, तो ये आज हम आपको बताएंगे कि किडनीज में और ईद में क्या कनेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये तो हो गई ईद की मुबारकबादें। अब क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद है और पाकिस्तानी आवाम जो है बड़ा पसंद करती है मटन, बीफ और गोश्त जो है उसको पसंद करती है। आप हमें बताएं कि गोश्त खाते तो एक बार माइंड में आता है कि हमारी किडनीज का क्या ताल्लुक है कुछ खाने से ऐसे, लेकिन यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का, और आजकल बड़े नौजवान लोग जो हैं उनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रहा है। वजह क्या है, रिलेट कैसे करेंगे? आपने ऐसा टॉपिक चुना है, मुझे लगता है कि जो हमारी बातें सुनने के बाद ना कहीं ये ना हो कि लोगों की ईद ख़राब हो जाए क्योंकि आज फिर इस पे हम बड़ी पाबंदियां लगाने वाले हैं। एनीवे, अच्छी बात ये है कि ईद के इस खूबसूरत मौका पर जो हमारी ये जो हेल्थ टिप्स हैं ये भी हमारे मुआशरे के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी, और अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो एक अच्छा सेहतमंद और ख़ूबसूरत मुआशरा फिर अच्छी ईद मनाएगा ना। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ईद के इस मौका पर कुछ चीज़ों को बताया जाए। यूरिक एसिड का आपने बात की है, तो यूरिक एसिड बेसिकली एक इसको मैं इस तरह लोगों के लिए बयान करना चाहता हूँ कि जो भी हम चीज़ खाते पीते हैं, ख़ास तौर पर जो प्रोटीन डाइट हम लेते हैं, वो जब बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है तो वहाँ पे एक प्यूरिन केमिकल जनरेट होता है, यानी कि सारी चीज़ों के प्रोसेस के बाद ये उसका ब्रेक डाउन है, और एक हिसाब से ये इसको आप एक वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इसकी मकदार पेशाब के रास्ते गुर्दे जो है ना वो खारिज कर देते हैं, और इसलिए जिस्म में एक बैलेंस जो है ना वो बरकरार रहता है कि जिससे इसका नुकसान नहीं होता। लेकिन अब होता क्या है, और ख़ास तौर पर जब हम अपने मुआशरे के हवाले से या ईद के हवाले से इसको बयान करेंगे तो फिर चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखें, इसके बढ़ने की वजह क्या है? बढ़ने की वजह सीधी सीधी हम इस तरह कह सकते हैं कि या तो आप खा ही इतना ज़्यादा रहे हैं कि बॉडी बेचारी या गुर्दे बेचारे, या मैं बेचारा कह रहा हूँ गुर्दों को, कि वो इस काबिल ही नहीं है कि इतनी अमाउंट जितनी हमने जिस्म में डाल लिया वो सारी की सारी अखराज करें। तो जब उसको वो अखराज कम होगा और ऊपर से इनटेक कंटिन्यूस है तो भी ब्लड में इसके लेवल या और हमारे सर किया भी यही जाता है, सुबह भी निहारी मार्क्स और ये खाया जाएगा, दोपहर को कढ़ाइयाँ चल रही हैं और रात को फिर बारबेक्यू भी चलेगा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचारे गुर्दे सोचते हैं हम कहाँ आ गए हैं। मैं तो इसका जवाब कुछ इस तरह देता हूँ और अक्सर ये बात करता हूँ, हम सुबह नाश्ता करने के बाद ना, जो पाकिस्तानी मुआशरा है, नाश्ते के बाद वो ये नहीं सोचता कि मैंने अब जॉब पे जाना है, मैंने ये करना है, अब वो सोचता कि मैंने अगला खाना क्या खाना है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। वो तैयारी करते वो अच्छा लंच करता है, उसके बाद अगली सोच ये है कि अब मैंने डिनर क्या करना है। मतलब हमारी जो सोच सुबह शुरू होती है ना वो नाश्ता खाने से, और रात का जो डिनर है और उसके बाद बेड जाने तक हम सिर्फ एक ही प्रोसेस में घूमते हैं। देखें, इना बात यह है कि बड़ी अच्छी कहावत और मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को कहती है कि आप जो ब्रेकफास्ट या जो नाश्ता है ना ये आप अमीरों की तरह करें, यानी कि आपका अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए बादशाहों की तरह, एनर्जी से भरपूर। यस, क्यों? आपने सारा दिन उसके बाद काम करना है, आपने वो जो कैलोरीज हैं वो सारी बर्न करनी है, फिर लंच है, लंच जो है वो उससे थोड़ा हल्का होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जी लंच जो है वो वज़ीरों की तरह करना चाहिए। अच्छा, नाश्ता बादशाहों की तरह हो गया, वज़ीरों की तरह लंच हो गया, जो डिनर है ना ये फकीरों की तरह होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हल्का लाइटेस्ट होना चाहिए। अब आप देखें कि पाकिस्तानी मुआशरा किस तरफ है, सबसे हैवी हम डिनर करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है,
हम लंच कर लिया कभी ठीक है, और ब्रेकफास्ट यूजुअली हम स्किप करते हैं। चाय पी लेते हैं, स्कूल भाग रहा है कोई, हल्का सा कोई जॉब पे जा रहा है, नहीं जी जल्दी है, बस हल्का फुल्का लिया और सारी चीज़ें। हमने अपने पैटर्न को रिवर्स कर दिया। और ये जो हम साइंस के भी, और वैसे भी हम जो क्या कहते हैं कि हमारा ओरिजिन है, उसके भी उल्ट चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम फिर सेहत के और मसाइल होंगे। अब जो यूरिक एसिड है, इसकी वजूहात की जब हमने बात की, तो एक तो ये बात आ गई कि बहुत ज़्यादा इनटेक ऐसी चीज़ों की आ जाए कि जहाँ पे जिसमें यूरिक एसिड है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? मतलब रेड मीट है, ओके, और ख़ास तौर पर ईदुज़हा के ऊपर तो कोरिलेशन आपके टॉपिक का इस तरह बनता है कि इस पे तो लोगों ने माशाल्लाह खाने ही गोश्त है, वो कहते हैं जी गोश्त वाली ईद। हालांकि मेरी नज़र में तो ईद कुर्बान ये है कि आपने अल्लाह की खातिर उस रज़ा के लिए आपने कुर्बानी देनी है, जानवर को ज़िबा करना है, और वो जो गोश्त है वो आपने तकसीम करना है। एग्जैक्टली, आपने तकसीम करना है, पूरे 2-3 माह के लिए फ्रीजर में फ्रीज करके नहीं रखना, नहीं रखना। Exactly. अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीज भी नहीं करते, फ्रीज भी हो गया तो काम खराब। हमने तो पहला काम ये करना कि पहले अपना स्टोर पूरा करना है, जहाँ पे नुकसान का अमल शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि सी फूड, जो जिस तरह फिश, ये बड़ा रिच सोर्स है यूरिक एसिड का। तीसरी बात है जो दालें, इनमें भी यूरिक एसिड काफ़ी पाया जाता है, दालों में भी पाया जाता है, ये बहुत से लोग नहीं जानते। अब इसके बाद अगली बात आप देखें कि कुछ जिस तरह अल्कोहल यूज़, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, तो उनमें भी जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो यूरिक एसिड का शिकार जो है ना, वो शिकार होंगे। तो चिकन से नहीं होता यूरिक एसिड? वाइट मीट में जो चिकन है खासतौर पर, उसमें सी फूड में तो काफ़ी है, लेकिन चिकन में थोड़ी इसकी मिकदार कम है। तो ये एक पहला तो फायदा है जो हम आपको बता रहे हैं कि इससे आपको यूरिक एसिड थोड़ा सा नहीं होगा तो सही, लेकिन वो मीट प्रोडक्ट है। लेकिन ये है कि जो रेड मीट प्योर हम बात कर रहे हैं और सी फूड की कर रहे हैं, उससे कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, एक तो ये बात होगी कि जब आपकी इनटेक, अब किसी को मोटापा को ओबेसिटी का शिकार है, उसमें भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अगली बात ये है कि किसी के किडनी ऑलरेडी डैमेज है, मतलब किसी भी बीमारी की वजह से, वो शुगर का मरीज है, वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि वहाँ पे गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं। अब सारे जिस्म का जो भी हम खाते पीते हैं, तो आपको पता है कि गुर्दों का निज़ाम ही ये है कि उसने आखिर में इखराज जितना भी बॉडी में जितनी ज़रूरत है वो रिटेन हो जाएगा, और बाकी हर चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो गुर्दों ने निकालनी है। ठीक है, अब अगर गुर्दे कमज़ोर हैं तो जो हम खा पी रहे हैं तो वो इखराज नहीं होगा, तो फिर भी ब्लड में लेवल बढ़ गए। तो अगला प्रॉब्लम ये आ गया कि किसी को अगर गुर्दे की प्रॉब्लम है, बीमारी में ऑलरेडी मुबतला है, गुर्दों का फंक्शन कमज़ोर हुआ हुआ है, तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अब जो ब्लड प्रेशर हाई वाले मरीज़ हैं, ये कुछ दवाइयाँ ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मसलन कि हम ब्लड प्रेशर हाई में पेशाब आवर दवाइयाँ देते हैं कि ताकि मरीज़ का जो बॉडी से फ्लूड ज़रा ज़्यादा निकले, थोड़े ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो वो जो दवाइयाँ डायूरेटिक्स हैं पेशाब पावर, वो भी जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। मैं वजूहात बता रहा हूँ कि ताकि मुख्तलिफ ये फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि इस तरीके से जो यूरिक एसिड, अब कोई और कनेक्शन समझना बेहद ज़रूरी है। हमें अगर ये नहीं पता होगा कि ऐसे हो क्यों रहा है, तो हम समझेंगे नहीं, तो उसके ऊपर क्यों फॉलो करेंगे। अब जो कैंसर के मरीज हैं जी, मतलब किसी भी किस्म का कैंसर है जिस्म में, उन मरीजों में भी बॉडी के अंदर, मैंने जो केमिकल का नाम लिया था ना, जो प्योरिन्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली ब्रेकडाउन अंदर हो रहा होता है, तो वो कैंसर के मरीजों में इटसेल्फ स्पॉन्टेनियस अंदर ब्रेकडाउन होता है उन प्योरिन्स का, जिसकी वजह से यूरिक एसिड उनके ब्लड में बढ़ जाता है। तो कैंसर के मरीजों में भी ये प्रॉब्लम जो है ना, वो इस तरह बढ़ जाती है। अब अगला एक फैक्टर है कि जो बहुत अहम है, कि ये फैमिलियल भी होता है, ये इनहेरिटेड। मसलन आपको कोई, आप समझते हैं कि आप तो कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, आपकी कोई ऐसी बैड जो हैबिट्स हैं डाइट के मुतलका या लाइफस्टाइल के मुतलका, वो भी नहीं है, तो इसके बावजूद यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि फैमिलियल, मसलन किसी के पेरेंट्स में से, फादर को या मदर को, बाप दादा नाना नानी किसी में से यूरिक एसिड का कोई मरीज था, तो वो आगे फिर कैरी करता है इनहेरिटेड। तो एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ पे उसका लाइफस्टाइल, उसकी डाइट अच्छी हो सकती है, इसके बावजूद भी यूरिक एसिड बढ़ा रह सकता है। तो ये चंद एक वजूहात हैं
जो कि यूरिक एसिड के बारे में ये मैंने बताई हैं। अब ईद के इस मौके के ऊपर आप देखें कि इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें सामने आ रहा है ना, वो डाइट का है। और ये कोरिलेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कि ईद के ऊपर किसी ने कोई मुर्गे की कुर्बानी नहीं करनी, ठीक है, तो यानी कि वाइट मीट तो होना नहीं, होना ही रेड मीट है। अब वो बकरे का गोश्त हो सकता है या गाय भैंस का गोश्त हो सकता है, ऊंट का हो सकता है, ठीक है। ये रिच सोर्स हैं यूरिक एसिड के। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अहम, जो कि अगर हम इस्लामी तौर पर भी बात करें कि देखें ईद उज़हा का ये मौके के ऊपर ये इस्लाम का एक फरीज़ा है जो हम अदा करते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले ये फरमा गए कि अगर आपको दो रोटियों की भूख है तो आप एक खाएं, और आपको अगर एक रोटी की भूख है तो आप आधी खाएं। यानी कि आपने खाने में बड़ी इत्तदाल पसंदी रखी, भूख रख के आपने खाना खाना है कि थोड़ी बहुत भूख लगी हो। अब ईद पे होना क्या है, ये सारा कुछ हमने भूल जाना, जन्मों की भूख जो है वो मिटानी, वो हमने मिटानी है। आज 1500 साल बाद साइंस क्या कह रही है, साइंस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही तायद कर रही है, और आज मेडिकली हम लोगों को कहते हैं कम खाएं जी। अब जिस तरह जापान है, जापान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे रिसर्च में ये पूछा गया भी वहाँ पे क्या फैक्टर है, तो एक फैक्टर जो सबसे अहम मिला कि वो लोग कम खाते हैं, उन्होंने कहा जी हम कम खाते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी अहमियत है। तो ईद के इस खूबसूरत मौके पर ये भी कहना है कि सारा साल तो हम इतना नहीं खाते, तो ईद पे तो हम ज्यादा खा ही सकते हैं, लेकिन इस सोच का क्या करें? अच्छा, दूसरी ये सोच तो हमें बदलनी होगी, या हम पहले ही एक बात कर रहे हैं कि जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे तो हम सेहतमंद नहीं हो सकते। आप देखें, मैं एक और थोड़ी सी डराने की बात कर दूं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ईद वाले दिन आज डॉक्टर को आपने बुला लिया, तो फिर डॉक्टर से तो ऐसी ही बातें आप बहुत सुनेंगे। जरूरी है सर, क्योंकि एहतियात बेहतर है इलाज से। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये जो ईद का आप ये शो कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि आप और आपका चैनल इस बात की मेरी तरफ से तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि यूजुअली ईद के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एंटरटेनमेंट और ये सारी चीजों को तो आवाम को दे रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो हेल्थ के बारे में कि उन्होंने आज के दिन में अपनी आप को कैसे खुराक के हवाले से या सेहत के हवाले से चलना है, और ये सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कम मीडिया में देखते हैं, अभी आप देखेंगे आपके चैनल के अलावा बाकी सारों के ऊपर, वो इसलिए डॉक्टर को तो बुलाते ही नहीं है, वो कहते हैं कि वो ना पाबंदियाँ ज़्यादा लग जाएँ। तो एनीवे हमारा जो आज का ये मैसेज जाए वो यही हो कि देखें ईदें आती रहेंगी, ये खुशियां हम मनाते रहेंगे, ये अल्लाह की रजा की खातर हम कुर्बानियां देते रहेंगे, लेकिन जब तक हम सेहतमंद हैं ना, अगर कोई बंदा आप सेहत अपनी गवा देता है तो उसका सब कुछ समझे चला गया। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। मैं दो तीन दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था, वहाँ पे इलीट क्लास यूनिवर्सिटीज़ की और ये लोग बैठे थे, और मैंने वहाँ पे यही एक बात की थी, और आज मैं दोबारा कोट करता हूँ, ये बात सबके लिए है, इसमें एजुकेटेड कम्युनिटी और इसमें नॉन एजुकेटेड कम्युनिटी, हमारी वो भले देहाती पॉपुलेशन है या शहर वाली है, कोई अमीर है या गरीब है, सुबह घर से हम निकलते हैं ना तो हमारे जो 10 काम हैं एक लिस्ट बनी होती है, और उसमें अगर आपकी कोई सेहत के बारे में काम है ना, मसलन आपने कोई टेस्ट कराना है, आपने कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, आपने कोई ऐसी चीज़ जो सेहत के वाले से करनी है, वो आप 10वें नंबर पर लिखी होती है। हम पहले 9 काम पता कौन से करते हैं कि जी मेरा ये शॉपिंग करना ज़रूरी है नंबर 1, मेरा ये खाना ज़रूरी है नंबर 2, मेरा फलानी जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये करना, ये सारी चीज़, टाइम बच गया तो मैं अपना टेस्ट कराऊंगी, नहीं तो कल कल और कल कल, टाइम बच गया तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचूंगी, और इसी में ही आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। जो बाहर का मुआशरा ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसके उल्टा है। एग्जैक्टली, वो पहले से है तो वो जब घर से 10 कामों की लिस्ट लेके निकलते हैं, उसमें जो हमारा 10वां नंबर है ना, वो वहां पे पहला नंबर होगा। उन्होंने घर से निकलते सबसे पहला काम उन्होंने ये करना है
कि जी नहीं, पहले हम जरा अपने टेस्ट वेस्ट दे लें, अपने डॉक्टर से मिल लें, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा, बाकी कामों में से जो कुछ चीज़ बच भी गई तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। इसका मैं आई विटनेस हूँ। एक तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा आता जाता और उस सिस्टम में मैंने अपने काम भी करता हूँ। दूसरी बात आपको एग्जांपल दूँ कि मुआशरे के तौर पर अगर जब हम बात करते हैं, मैं यूके में, लंदन में, मैं एक टैक्सी में सफ़र कर रहा हूँ, तो जाते हुए टैक्सी ड्राइवर मुझे रास्ते में एक रिक्वेस्ट करता है। उसको नहीं पता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो पीछे बैठा हुआ हूँ। मुझे कहता है कि सर, मैंने एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, अगर आपके पास टाइम है कोई 20 से 25 मिनट का, तो रास्ते में मेरा एक हॉस्पिटल आ रहा है और मेरी आज रूटीन की आंखों का मुआयना है, जो कि साल में रूटीन का, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो मेरा आज वो डे है, मेरी डेट है, बट आपकी इजाजत से अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इस वक्त पहला राइट आपका है कि आप क्लाइंट है मेरे, आपने पे किया मुझे, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट मुझे दे देंगे तो मेरा ये वाला जो मेरी आंखों का मुआयना है ये हो जाएगा, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैं तो चूंकि डॉक्टर था उसको नहीं पता, मैंने कहा, और मेरे पास टाइम भी था, मैंने कहा ओके, आप गो और आप अपना ना आंखों का मुआयना कराएं। उसने गाड़ी खड़ी की पार्किंग में, मैं बैठा रहा, वो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आ गया। आके उसने पहले मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं हैरान हो गया कि एक रूटीन का चेकअप, अब हालांकि हमारा कोई टैक्सी ड्राइवर होता कभी ये सोच ना रखता, टैक्सी ड्राइवर को छोड़ दें, आप किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर किसी भी बड़े पढ़े लिखे बंदे की ये सोच हमारे यहाँ डेवलप ही नहीं हुई कि हमने अपने कुछ कामों को थोड़ा सा साइड पे करके ये जो आपके हेल्थ के काम हैं इनको ऊपर लेके आना है, तो इसलिए वो सेहत। अच्छा, इसमें अब हमने दो चीज़ें सीख ली सर, कि एक तो हमें प्रायोरिटाइज करना है अपनी हेल्थ को, सेकेंडली अगर आप किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं तो करना भी चाहिए। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा एक काम, और इसीलिए मैंने बाद में उसको बताया कि यार मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि आपने ये, तो एक तो हमें ये है कि हम सेहत को अपने ना ऊपर ले आए तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो पाबंदी लगानी है मैंने, जिसके लिए नाजरीन पाबंदियाँ सुननी हैं आपने, लेकिन पाबंदियाँ आपके फ़ायदे के लिए हैं, और ये पाबंदियाँ इसीलिए आपको फ़ायदा देंगी कि हम बेसिकली मेडिकल कम्युनिटी, और आज जो चैनल पे भी हम बैठे हैं, ये सेहतमंद पाकिस्तान के लिए, और ये पहले डॉक्टर होंगे जो आपको बता रहे हैं किस तरह आपने डॉक्टर्स के पास नहीं आना, आपने बीमार नहीं होना, अदरवाइज मुझे लगता है डॉक्टर्स ने जो मेरी आज की टॉक है ना, अगर इस पे हमारे लोगों ने अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि आधे अस्पताल जो है ना खाली पड़े रह जाएंगे, क्योंकि इन दिनों में अस्पतालों पे भी एक लोड पड़ेगा, और वो पड़ता है, हम देखते हैं वो क्यों, कि जनाब टका के हमने खाया होता है, बदप्रेजी की होती है, और उसके बाद कोई वॉमिट कर रहा है, कोई पेट खराब हो रहा है, वो गैस हो जाती है, और लगता है हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम। देखे ना, शुगर का मरीज होगा तो शुगर डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जनाब हमने मसाले स्पाइसी ये वो सारी चीज़ें तो मजे करनी है ना, इस पर ब्लड प्रेशर शूट करेंगे। गुर्दों के मरीज हैं तो उनको वैसे ही गोश्त वाली चीज़ों को हमने रोका होता है, वो भी बदप्रेजी करेंगे। और मेरे पास अक्सर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब ईद आई सी तो थोड़ा जहाँ बदप्रेजी हो गई, तो वो भी अस्पतालों में पहुँचेंगे खुदा न खास्ता। फिर इससे ऊपर जो आर्जी तौर पर चीज़ें हैं, फौरी आप इतनी ज़्यादा इंटेक ले लेते हैं, उसके बाद उल्टियाँ करनी शुरू हो जाते हैं, किसी के पेट में दर्द शुरू हो गया, किसी को डायरिया लग गया है, ये सारे मामला आपको इन दिनों में उसी सूरत में मिलेंगे, या तो आपके खाना बनाने का पकाने का तरीका ठीक नहीं है, और या मकदार जो आपने खाई है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने इन दो चीज़ों के ऊपर ही आज का मैसेज जो है वो छोड़ना है। तो पहले नंबर पर देखें, आप खाएं गोश्त, ज़रूर खाएं। अब खाना कैसे? अच्छा, देखें, एक बोटी है, आप खाना चाहते हैं, अगर वो बोटी को आपने बॉयल करके खा लिया है, यानी कि बॉयल शेप में खा लिया है, तो वो बहुत जल्द आपके मेदे में स्टीम एंड बॉयल जो है ना वो हजम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपने स्टीम कर लिया, अच्छा, ओके, उसमें भी आपकी मेदे में उसकी जो डाइजेशन है वो जल्दी भी हो जाएगी, और दूसरा ये है कि उसमें कोई घी वगैरह ऑयल चिकनाई नहीं है, तो आपके जिस्म में चिकनाई नहीं जाएगी, ठीक है। इसी तरह बारबेक्यू
टाइप जिस तरह है, लेकिन आप मर्च मसाले जरा स्पाइसी कम रखें, लेकिन उसके ऊपर कोई घी ऑयल का भी टेस्ट फील करें, सिर्फ मिर्च और मसालों का टेस्ट आपने फील नहीं करना। लेकिन सर हमारी आवाम, इवन हम खुद भी बॉईल करके कैसे खाएंगे रेड मीट? हाँ जी, तो इसका मैं अक्सर ये मसाल देता हूँ, भला कैसे, तो वो मैं ले जाता हूँ अपने, यानी कि बींग अ मेल, मर्द क्या करते हैं, अब खवातीन घर में सालन बनाती हैं, अगर बॉयल वाली बात आ गई या स्टीम वाली जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जब उसने कोई बॉयल शेप में या यखनी या सूप टाइप को वो बनना है ना, तो मर्द पहला जो ताना औरत को पता क्या देता है, तन तो पकाना ही नहीं आता, क्योंकि उसके लिए जो सालन शोरबा है ना, जब तक तरी ना हो ऊपर ये पूरी लेयर लेयर ना आए, वो कहते हैं जी खतून को खाना ही नहीं बनाना आता, हमारा मुआशरा इस तरह। अब वही जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, इसी से बचना है। तो इसीलिए इस ईद के ऊपर खुदारा एक काम ज़रूर कर लीजिएगा कि कम से कम फ्राइड मीट लें, यानी उसको फ्राई ना करें। आप जितनी हमने बात की, आप बॉयल शेप का उसको कर लें, आप स्टीम कर लें, आप उसको बारबेक्यू कर लें, आप उसका सूप बना के पी लें कि जिसमें चिकनाई मसाले वगैरह इतने नहीं होंगे। यस बिल्कुल, ये तो जरूरी नहीं है कि हमने सर अगर हम बात करें कि घी जैसे हमने फ्राई नहीं करना, लेकिन अगर करना पड़ ही जाता है, किसी का बहुत दिल कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, देसी घी इज अ बेटर ऑप्शन या जो हम आम रूटीन में, या ऑलिव ऑयल किस में? अच्छा, खैर इसमें ना एक बात बड़ी जनरल टर्म है कि जिसको अगर हम इस डिफ्रेंसिएशन में जाएं तो बहुत मुश्किल है। देखिए आप ऑयल कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है, आजकल मार्केट में लो फैट यानी कोलेस्ट्रॉल फ्री ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें आई जाती हैं, लेकिन जब भी आप ऑयल में किसी चीज़ को पका लेते हैं ना, तो उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस जो स्टमक में जाकर होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ये बात तयशुदा है। एक मैं रफ आपको अंदाज़ा देता हूँ कि मसलन एक चीज़ आपने बॉयल शेप में ली है, आपने सूप पी लिया, उसमें आपने बोटियाँ ले ली हैं, या आपने कोई बॉयल्ड बोटी आपने खा ली है, अच्छा अगर उसका एक एवरेज टाइम है कि वो तकरीबन 3 से 4 घंटों में आपके मैदे में से वो डाइजेस्ट हो के तो आगे प्रोसेसिंग में वो चली जाएगी, इसलिए आपको हैवी फील भी नहीं होता और आपका स्टमक जो है वो 3-4 घंटों में एम्प्टी हो जाता है। यही चीज़ अगर आपने फ्राई करके ऑयल में, देसी घी में, किसी में भी, भले वो कोलेस्ट्रॉल लो ऑयल है या कि वो रिच ऑयल है, वो कर लिया है, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस अब स्टमक में जो 3 से 4 घंटों में वो ख़त्म हो चुका था, ये 6 से 8 घंटों में चला जाता है। यानी कि अब आप देखें कि यहाँ पे एक ऑयल वाली चीज़ को, घी वाली चीज़ को खाने के बाद इसीलिए आपको हैवी फील रहता है और अगले तकरीबन आधा दिन आपका गुजर जाता है, कोई जनाब उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर देता exactly, है, कोई उसके बाद पता नहीं कौन सी जी के ये जड़ी बूटियां का इस्तेमाल शुरू हो जाता है कि जी अब हमने इसको पेट को, स्टमक को किस तरीके से खाली करना है। तो भाई बात सीधी है कि आप उसको बना ही इस तरीके में लें कि हम जो है वो इतनी मुश्किल में ना जाए, मुश्किल में ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये पहला मैसेज ये होना चाहिए कि आप जरूर, और उसकी मकदार को मकदार कम करें, मकदार आप थोड़ी खा लेंगे, वक्फे से खाने से फर्क पड़ता है कि थोड़ा खा लें फिर थोड़े टाइम के बाद थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ तो जब सामने प्लेट आती है तो फिर तो आपने उस वक्त कंट्रोल कहाँ पे, थोड़ा खाना है, वक्फे से खा लें, खाना आप लोगों नहीं है। सर अगर हम बात करें, आजकल मुख्तलिफ मरीज देखने में आए हैं कि अचानक से किडनीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं, काम छोड़ देती हैं, वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं और 10 या 8 दिन के बाद दोबारा से ठीक हो जाते हैं और किडनीज जो है दोबारा से काम करना शुरू हो जाती है, ये क्या मामला है? अच्छा हाँ, ये एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है। लोगों के जहन में एक बात है कि एक दफ़ा किसी मरीज़ का डायलिसिस हो गया तो उसके बाद वो सारी उम्र डायलिसिस के लिए है। यहाँ पर इसको जवाब को मैं इस तरीके से आपको देता हूँ, गुर्दे नकारा होने की, फेल होने की ना 2 किस्में होती हैं। एक ये है कि आर्जी तौर पर वो डैमेज हुए हैं, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि ये आर्जी तौर पर कोई वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो किसी दवाई की वजह से हो सकता है, जिस समय पानी की कमी की वजह से हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया उसकी वजह से हो सकता है। ये चूँकि आर्जी फिनोमेना है, जैसे ही इन चीज़ों को करेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। दूसरी टाइप है क्रॉनिक, यानी कि आप पहले से ही गुर्दे के मरीज हैं या पहले से कोई ना कोई बीमारी आपके पास है, जिस तरह शुगर है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, गुर्दे में पथरियाँ हैं,
थैलियाँ बनी हुई हैं, ये वो बीमारियाँ कि जहाँ पे गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन ख़त्म करते हैं, वहाँ से वापसी नहीं होती आजकल। इसलिए जो आपने सवाल उठाया, अब ये जो मौसम गुजरा है ना, पीछे आपको पता कि पाकिस्तान में बड़ी एक वबा पेट के ख़राब होने की रही है, और ये जो मौसम है ना जिसमें डायरिया बहुत ज़्यादा, उल्टियाँ और पखाने लग जाना, इसमें पानी जिस्म से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। लोग घर में पहले कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसमें होता यह है कि जैसे ही पानी की कमी होती है और इन्फेक्शन होता है तो आपके गुर्दे जो है ना वो शट डाउन हो जाते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा, हमने पिछले जो महीना डेढ़ गुजरा है ना, इसमें बहुत सारे लोग गुर्दे की आर्जी तौर पर प्रॉब्लम में मुब्तला हुए, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें से बगैर डायलिसिस के भी रिकवर हुए, बहुत सारे लोग डायलिसिस के बाद रिकवर हुए। खुदा ना खास्ता जब बिल्कुल निज़ाम आपका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर जाते हैं, सांस में ख़राबी या तजाबियत, तो उसकी जहरीले मादे इतने बढ़ गए हैं, फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई है, तो ऐसे लोग जो है ना वो वेंटिलेटर से भी ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि जी एक दफ़ा मरीज़ का डायलिसिस शुरू हो गया तो उसका वो आखिरी टाइम आ गया, खुदा ना खास्ता, ये नहीं। आरजी तौर पर गुर्दों का जो डैमेज है उसमें रिकवरी का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर आपका पुराना डैमेज हो चलता आ रहा है फिर वो गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पर डायलिसिस आपको मुश्किल तौर पर कराना पड़ता है। सर क्या सिम्टम्स हैं कि हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए? अगर हम जनरली बात करें आम दिनों की भी, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें ज़रूर अपनी जो किडनीज हैं उनका चेकअप करवाना चाहिए? ना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ज़रा ये शुरू में करेंगी, लेकिन ये बात आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर जानी चाहिए। सबसे पहली बात मैं जनरल आम जबान में लोगों के लिए अलामत बता देता हूँ। इनमें से किसी छोटे बड़े को कोई भी अलामत आए घर में, फौरी तौर पर अपने जहन में ये बैठाएँ कि कहीं ना ख़राबी ना हो, तो मुआले से ज़रूर रजू करें। पहले, जब आप सुबह सोकर उठते हैं और अगर आपका चेहरा सूजा हुआ है, ख़ास तौर पर आँखों के नीचे सोज आई हुई है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर खटकनी चाहिए कि ये ठीक नहीं है। टांगों को मुआयना करें, पाँव को देखें और एक अंगूठे के साथ दबा के देखें कि गड़ा तो नहीं, सोज तो नहीं है। अगर टांगों पे पाँव पे सोज आ गई है, गड़ा पड़ रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको गुर्दे के मुतलका हो सकती है। अगली बात ये है कि आपको कोई वजह नहीं समझ आ रही और आपका दिल मतली वाला रहता है, आपकी भूख की कमी शुरू हो गई है, या आपको उल्टी वैसी ही आ जाती है, आप समझते हैं कि मैंने कोई बात प्रेस भी नहीं की लेकिन ये काम बार बार मेरे साथ हो रहा है, तब भी सोचें। जब जहरीले मादे गुर्दों के ब्लड में बढ़ते हैं ना, तो तब ये अलामत आती है। सबसे अहम चीज़ जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, और ये मैंने अक्सर चैनल पर बात की है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर सुन के लोगों ने टेस्ट भी कराए हैं, वो ये है कि अगर हम रूटीन में जब पेशाब करते हैं ना, तो थोड़ी सी जाग बनती है और चंद सेकंड में वो जाग ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जाग बन रही है और पेशाब करने के बाद से वो उस तरह स्टे करती है काफ़ी टाइम के लिए, ये पहली निशानी होती है कि गुर्दे के फिल्टर जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं और आपसे गुर्दों से प्रोटीन का अखराज हो रहा है। फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है और पेशाब का टेस्ट करा के देख लें। अब आप ये देखें कि ये बड़ी जनरल चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा चलते हैं सांस फूल जाता है, आपको खून की कमी का शिकार है, आपका ध्यान नहीं लग रहा काम, आप समझ रहे कि बिल्कुल नकाहत सी हुई हुई है, ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अपने पल्ले बांध लें। किसी में भी ये चीज़ देखें तो खुदा रा ये है कि हमें एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए, ताकि हम अपनी तसल्ली कर लें कि गुर्दों के मुतल्लिका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि अगर हमें नकाहत फील हो रही है या हमें मतली फील हो रही है, तो हम मतली को हमेशा रिलेट करते हैं अपने स्टमक से, अपने स्टमक के तो साथ। ये किडनीज के साथ भी रिलेट होना, अगर आपका फेस जो है वो स्वेल हो रहा है, पाँव या टांगे जो है वो स्वेल हो रही है। बहुत दफ़ा है ना, ये मैं बताऊँ कि लोग जिगर के डॉक्टर के पास होते हैं, बड़ा इलाज करा रहे होते हैं, हकीमों के पास पहुँचे होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी गुर्दे का टेस्ट ही नहीं कराया होता। और जब बीमारी उस हद तक बढ़ जाती है तो कभी कोई किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, जब वो टेस्ट कराता है तो उसको खुदा ना खास्ता जब फेल होने तक बात पहुंच जाती है, तब जो है डॉक्टर के पास पहुंचा। और यहीं से मैं एक बात सिर्फ इसको रिलेट करते हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं इशाका कि वो सवाल आप करें ना करें, लेकिन नाजरीन तक पहुँचना चाहिए कि ये अलामत के बाद हमें टेस्ट कौन से कराने चाहिए। दो तीन टेस्ट हैं और आज
ईद के ही इस हवाले से मैं बात करता चलूं कि साल में एक दफ़ा हर सेहतमंद बंदा ये टेस्ट ज़रूर करा ले। हम हज़ारों रुपए अपने कपड़ों पे, खानों पे लगाते हैं, लेकिन ये चंद सौ रुपए अगर आप लगा के अपनी सेहत को देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यूरिन कंप्लीट टेस्ट बहुत सस्ता, सरकारी अस्पतालों में फ्री, प्राइवेट लेबॉरटरी में भी कराएंगे तो 100-125 रुपए का टेस्ट है, लेकिन 80% आपको गुर्दे की बीमारियों के बारे में मालूमात ये एक टेस्ट देता है। दूसरा टेस्ट है ब्लड का कंप्लीट टेस्ट, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन, जिसमें खून की कमी, बाकी चीज़ों को देखा जाता है। तीसरा गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट है, जिसको हम यूरिया और क्रिएटिनिन कहते हैं। और चौथी बात आखिरी एक अल्ट्रासाउंड, जिसमें गुर्दे की पथरी, फ्लां, बाकी चीज़ें, रसौली, ये वो सारी चीज़ें ना। अभी ना देखें, ये चार टेस्ट मैंने आपको बयान किए हैं जनरल, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चार जनरल चीज़ें इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कोई मसले। अगर इसकी आप सरकारी अस्पताल में भी कीमत देखें तो ज़्यादातर फ्री अवेलेबल हैं, और होगी भी तो बहुत थोड़ी सी कीमत। प्राइवेट सेक्टर में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेस्ट आप देखें तो 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएंगे, लेकिन साल में एक दफ़ा अगर ये 2-3 हज़ार रुपया आप अपने ऊपर लगा के ये देख लेते हैं कि जी मुझे कोई मसला तो नहीं, और अगर उस मसले को हम बड़ी अर्ली जल्दी पकड़ लेते हैं तो आपका जो मुस्तकबिल है, जो डायलिसिस का इस वक्त बोझ पाकिस्तान पे पड़ा हुआ है, हर दूसरा तीसरा लोग आप सुनते हैं जी गुर्दे के जी उसके फेल हो गए, प्लान डायलिसिस हो गया, ये बोझ उसी सूरत में कम हो सकता है मुल्क से भी और खानदानों से भी, कि अगर हम अपनी सेहत की तरफ तवज्जो रखें। इसलिए वो आपने शुरू में एक बात की थी कि एहतियात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो मेरा जो फाइनल मैसेज ये होगा कि खुदा के लिए ये टेस्ट साल में एक दफ़ा हर सेहतमंद बंदे को ज़रूर कराने चाहिए, और हर सेहतमंद बंदे को जरूर करवाने चाहिए। और हमेशा हम सर एक्चुअली सोसाइटी में सुनते हैं हमें पता ही नहीं चला आखिरी स्टेज पे कैंसर पहुंच गया, या हमें पता नहीं चला किडनीज जो हैं वो ख़राब हो गई, फेल होने के बिल्कुल दहाने पे थी। तो ये इसी वजह से कि अगर आप पर एवरी ईयर अगर आप करवाते रहें टेस्ट तो आपको हर साल ही पता चलता रहे। सर लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को ये बताते जाएँ कि पानी कितना पीना है, सोने के कितने जब हम सोते हैं उसे कितना, हमेशा हम बात करते हैं कि खाना कितना टाइम पहले खा लेना चाहिए, लेकिन पानी सोने से कितना टाइम पहले पी लेना चाहिए, कितने ग्लास पीने चाहिए, और मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद कब पानी पीना चाहिए। अच्छा, आपने खतरनाक सवाल आखिर में किया है। पानी का जो ताल्लुक है, जो हमारी वाटर इनटेक है, आपके मौसम के साथ, आप किस खित्ते में रह रहे हैं, और आपका जो प्रोफेशन है, आपका काम, इन तीनों चीज़ों को सोच के ही चेंज होता है। अब एक मिसाल है, पाकिस्तान में जो हमारा जो खित्ता है ये गर्म इलाका है, और आजकल हम जो गर्मियों का सीज़न पीछे, बहुत शदीद गर्मी और अब जो एक हबस वाला मौसम है, तो दोनों में आप देखें कि हमारा पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। अब यहाँ पर अगर कोई मज़दूर है, कोई किसान है, तो उनका जो काम है वो सख्त है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा पसीना निकालते हैं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना होगा। एक बंदा है जो कि ऑफिस जॉब वाला है, एसी के अंदर सारा दिन काम करता है, उसको इतनी स्वेटिंग नहीं होनी और उसकी रिक्वायरमेंट और तलब भी कम होगी। जनरली मैं एक बात बताऊँ कि आजकल के मौसम में एक सेहतमंद, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ अभी जो पानी के मुतलक होंगी, मैंने इसलिए ज़्यादा नाज़रीन को, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि गुर्दों के मरीज़, दिल की बीमारियों के मरीज, या कोई ऐसे पेशेंट्स के जिनको ऑलरेडी कुछ सोच पड़ी हुई है, वो भी ये सुन रहे हों, तो कहीं वो ये ना सोच बैठें कि ये जो मेरी पानी वाली बात है ये उनके लिए भी उसी तरह ही है। ये हेल्दी जो नॉर्मल सेहतमंद लोग जिनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं उनके बारे में ये बयान करने लगा हूँ कि उनकी आजकल की रिक्वायरमेंट कम से कम जो है ना वो 1.5 से 2 लीटर होनी चाहिए, यानी कि ये 6 से 8 गिलास बनते हैं। 6 से 8 गिलास ये तो आपको लाजमी तौर पर इंटेक रखनी चाहिए, क्योंकि जो मौसम है, जो आपकी स्वेटिंग हो रही है, उसकी मुनासबत से इतनी की ज़रूरत है। अगर इसमें जिस तरह किसान और मज़दूरों की मैंने बात की, या रेड़ी वाले की कोई बाज़ार में काम कर रहा है, तो वो इसको बढ़ाएगा अपनी उसके कि उसको कितना पसीना, तो उनकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 लीटर तक भी जा सकती है, क्योंकि वो तो लूज़ करेंगे।
दूसरी बात है कि जिनको ऑलरेडी गुर्दे के मसाइल हैं वो अपने मुआलज से राबता करेंगे, क्योंकि उनकी स्टेज के मुताबिक उनका मुआलज उनको बताएगा कि आप कितना कम रखें। जिस तरह दिल के मरीज हैं उनको पानी, हम कहते हैं कि जब सांस फूलता है, सोजें पड़ती हैं, पानी कम पीना पड़ता है। इसलिए मैंने पॉइंट नोट कराया है कि ये वो मरीज ये नहीं सुनेंगे। दूसरी बात आपका पार्ट ये था सोने से कितना पहले। एक बात मेडिकली बड़ी वाजे है और ये बात भी मैं बार बार प्रोग्राम में शुरू में भी मैंने इसकी इस्लामी एग्जांपल भी दी थी और अभी फिर मैं एक इस्लामी एग्जांपल जो है वो कोट करने लगा हूँ कि इस्लाम की रूह से भी और सुन्नत नबवी भी आप देखें, ठीक है, वहाँ पे ये था कि इशा से पहले पहले, यानी कि जो शाम का खाना है ना वो एक्चुअली हम कहते हैं रात का खाना, वो शाम का खाना है, और ये शाम के खाने का टाइम है ना ये मगरिब और इशा के दरमियान का टाइम, ठीक है, यही वो टाइम है कि जहाँ पे आपका खाना पीना जो भी है वो खत्म हो जाना चाहिए। पीना भी यहाँ पे स्पेसिफाई खाना पीना, मैंने खाने की बात नहीं की, यहाँ पे खाना पीना आपका खत्म हो जाना चाहिए। और इस्लामी रूह भी अगर आप देखें तो इशा के बाद तो अल्लाह ने रात सोने के लिए जिस्म को आराम दिया है और उस वक्त इबादत आप इशा की करके और उसके बाद आप रेस्ट करें क्योंकि फिर आपने फजर के वक्त उठना है। ये इंसानी जिस्म नॉर्मल इस तरह डिज़ाइन किया गया अल्लाह की तरफ से। साइंस ने 1500 साल में इसके ऊपर रिसर्च की है और ये साबित किया है कि अल्लाह ताला का ये जो बनाया हुआ जिस्म है इसके सारे निज़ाम इसी के ऊपर ही चलते हैं, और जो भी इंसान इसके अगेंस्ट करता है, मसलन जो बंदा रात को जागेगा दिन को सोएगा, मैं शर्तिया ये बात कहता हूँ कि उसकी सेहत वो नहीं होगी, उसका जिस्म वो नहीं होगा। तजर्बा करके देख लें, डार्क सर्कल्स और ये जो भी है जिनको हुस्न के हवाले से बड़े कॉन्शियस, वो हेल्दी लाइफ में नहीं रहेगा। हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारे जिस्म के आज साइंस कह रही है कि हार्मोन ऐसे हैं जो आपके सोते वक्त में उस तरीके से एक्ट करते हैं जो दिन के वक्त आपके जागने में वैसे एक्ट करते हैं। तो अल्लाह ने ऐसे तो नहीं डिज़ाइन की चीज़। तो इशा से पहले पहले हमने जी आपने जो भी खाना है और स्पेशली पीना भी इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि हम हमेशा खाने की बात करते हैं, पानी तो हम भी रातों को भी उठ उठ के पी रहे होते हैं, तो अपना जो टाइम टेबल है वो अकॉर्डिंग टू नेचर करें, जितना आप कुदरत के करीब होंगे उतना ही हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि आपने क्या खाना है, कैसे खाना है, खाना आपने ही है लेकिन उसको ज़रा वक्फे से और एहतियात से खाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। एक मैसेज जी, लास्ट सेंटेंस, क्योंकि मैं ये इसको समझने की बात है, ये मैं हमेशा अपने प्रोग्राम पे एंड पे कहता हूँ जी सर प्लीज, और वो ये मैसेज मेरा होता है कि जितनी हमने बातें की हैं इसमें अच्छी भी हैं इसमें बुरी भी हैं पाबंदियाँ भी लगी हैं लेकिन ये आपकी सेहत के लिए हैं। मैसेज ये है कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है। बहुत अच्छी बात आपने की। तो आपने जो है अगर आप खुद सेहतमंद होंगे तो आपका लाइफस्टाइल सेहतमंद होगा, आप मुआशरे में जो है एक बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, आपका और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आवाम के लिए ताकि वो जान सकें क्या खाना है, कैसे खाना है और यू नो कैसे जो है ईद गुजारनी है। एक बार फिर से आपको बहुत ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन आज के प्रोग्राम में आपने ये सब कुछ जान लिया, बस इसके ऊपर आपने अमल करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।